टुडे वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दैट बिट ऑफ़ इन्फॉर्मेशन इन रिपोर्ट आपको याद होगा कि ये फील्ड हमने एक लोकेशन के बारे में बनाई थी और हमने एक से ज़्यादा पार्ट्स के ऊपर ये बताया था कि इनकी लोकेशन क्या है आज हम क्विक बुक्स में जा कर देखेंगे कि इसकी यूटिलाइजेशन क्या है इसका फ़ायदा क्या है क्या ये रिपोर्ट में आ सकती है आ सकती है तो कैसे आ सकती है फ़िल्टर अगर करना है तो कैसे फिल्टर करना है और इसको पूरी रिपोर्ट को अपने हिसाब से कैसे कस्टमाइज़ करना है असल काम किसी भी सिस्टम का ये होता है कि जब आप डेटा एंट्री से फारग हो जाएं तो असल चीज़ एनालिसिस के लिए उसके अंदर से रिपोर्टिंग टाइमली रिपोर्टिंग डायरेक्ट रिपोर्टिंग ये और अलर्ट्स ये सारे काम हैं आपके सिस्टम के आपने डेटा एंट्री कर दी बहुत अच्छा किया लेकिन जब तक उसके अंदर से मीनिंगफुल रिपोर्ट्स नहीं निकलेंगी आपको इस तमाम डेटा एंट्री का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आएगा इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आपको ये क्लियर हो कि हमने इजाफ़ी अगर फ़ील्ड डाली हैं तो क्या इन इजाफ़ी फ़ील्डों का कोई फ़ायदा भी है और अगर फ़ायदा है तो उसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है रीज़न इन फील्ड को डालने का ये था कि हमें ये पता चल सके कि हमारे ये मुख्तलिफ़ आइटम्स इन्वेंट्री के कहाँ कहाँ स्टोर्ड हैं हमारे पास ये रिपोर्ट हो कि हमारे पास वेयर हाउस वन वेयर हाउस टू शॉप वन शॉप टू, टू शाप गोदाम वन इधर क्या क्या माल पड़ा हुआ है ये उसी वक्त पॉसिबल है कि हम ये इंफॉर्मेशन अपने पास रिकॉर्ड करते और रिकॉर्ड करने के लिए क्योंकि हमारे पास इसकी कोई फील्ड नहीं थी हमने एक नई क्रिएट की यूज़र डिफाइंड फील्ड कस्टम फील्ड जो हमने इधर डाली है और उसको हमने पॉपुलेट किया उसमें डेटा एंट्री की अब हमें पता होगा कि ये सारी चीज़ें कहाँ पड़ी हुई हैं आइए चलते हैं क्विक बुक्स में और रिपोर्ट्स में देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से मीनिंगफुल यूज़ कर सकते आज हम क्विक बुक्स में ये देखते हैं कि हमने जो यूज़र डिफाइंड फील्ड एंड डिस्क्राइब किए हैं उनकी यूटिलिटी क्या है उनका फ़ायदा क्या है और किस तरीके से हमें इस्तेमाल करके अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं सबसे पहली चीज़ जब भी आप स्क्रीन के ऊपर आएँ तो आपको ये पता होना चाहिए जब आप रिपोर्ट बनाना चाहेंगे तो हमें कहाँ जाना है और वहाँ हमें जाना है वो है रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स के अंदर बहुत सारे आपके पास मेन्यू आइटम्स हैं लेकिन इन दिस केस वॉट वी आर गोइंग टू डू इज़ हमने एक इन्वेंट्री का आइटम इस्तेमाल करना है और ये देखना है कि ये इन्वेंट्री का कौन सी लिस्ट है जो कि हम इस्तेमाल कर सकें लिस्ट में अगर आप देखें तो आपके पास आइटम लिस्टिंग का एक रिपोर्ट मौजूद है हम इसको, इसको इस्तेमाल करते हैं जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे आपके पास जितने भी आपके पास आइटम्स हैं वो तमाम के तमाम लिस्टेड हो जाएंगे इसमें आपके सर्विसेज भी हैं इन्वेंट्री पार्ट भी हैं असम्बली पार्ट भी हैं नॉन इन्वेटरी पार्ट भी हैं और जितने टाइप के आपने चीज़ें बनाई थी वो सारी की सारी यहाँ नजर आ रही लेकिन हमने इतनी बड़ी लिस्ट नहीं बनानी हमने तो एक बड़ी स्पेसिफिक लिस्ट देखनी क्विक बुक्स ने क्या किया है क्विक बुक्स ने आपको एक बड़ा फॉर्मेट दे दिया सारा डेटा उठा के ले आया है अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपने इसको किस तरीके से कस्टमाइज फिल्टर और इसको सेट करना है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारा डेटा मौजूद है एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑल यू हैव टू डू इस कस्टमाइज दिस रिपोर्ट एज़ पर योर रिक्वायरमेंट जो भी आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट है हमने ये रिपोर्ट उसके तहत उसको सेट करना है इसीलिए अगर ये कोई छोटी रिपोर्ट दिखा देता है तो फिर हमें यह मसला होता है कि हम ऐड कैसे करें इसलिए ये कॉम्प्रीहसिव फुल रिपोर्ट हमें देता है और हमसे कहता है कि ये पूरी लिस्ट है जैसे चाहो इसे सेट कर लो आइए हम इसे सेट करते हैं सेट करने का तरीका ये है कि अगर आप यहाँ देखें तो एक कस्टमाइज रिपोर्ट का टॉप लेफ्ट पे बटन मौजूद है हम उसको क्लिक करते हैं और पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी इसमें ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है हमें सेल्स टैक्स कोड की कोई ज़रूरत नहीं है क्वान्टिटी और पचीज़ ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है री पॉइंट की भी फिलहाल ज़रूरत नहीं है हमें प्रिफर्ड वेंडर की भी ज़रूरत नहीं है अब हमने इसमें से काफ़ी हद तक गैर ज़रूरी जो फील्ड्स थी वो हमने हटा दी जैसे ही हमने फील्ड हटाई ऑटोमेटिकली अगर आपने देखे हो अपनी स्क्रीन पे हमारा पूरी जो रिपोर्ट है वो स्क्वीज़ हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटी हो गई उसमें से गैर ज़रूरी फील्ड हट गई है अगर कोई हम इजाफी करना चाहते तो हम इसी कस्टमाइज रिपोर्ट में जाते और उसमें उस चीज़ का इजाफा कर लेते आपको याद होगा कि हमने एक यूज़र डिफाइंड कस्टम फील्ड इसमें ऐड की थी और उसका नाम था लोकेशन हमने लोकेशन को आप टिक कर दिया है इसका मतलब ये है कि अब लोकेशन भी हमारे इस रिपोर्ट में आएगी अब हमारे पास लोकेशन भी हेडर में आप देख सकते हैं कि मौजूद है अभी भी हमारी ये जो पूरी फील्ड्स हैं वो पूरी पॉपुलेटेड इसलिए नहीं है कि बहुत सारी ऐसे आइटम्स हैं जिसमें ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती उसको सेट करने का तरीका ये है कि हमने इस चीज़ को अपनी रिपोर्ट को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इसको फिल्टर करना है इसको सॉर्ट करना है और हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें सिर्फ इन्वेंट्री आइटम नज़र आए नंबर एक नंबर दो हमें उनकी लोकेशन लोकेशनें नज़र आए तो उसके लिए हमें जो दूसरे आइटम्स हैं उनको यहाँ से हटाना है और ये काम हम कैसे करेंगे वंस अगेन मैंने आपको ये बताया कि हमें तमाम इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर ली है हमारे सिस्टम ने क्विक बुक्स ने और अब हमें वो फ्री हैंड दे रहा है कि हम इसकी तराश खराश खुद करें आपने फिर जाना है कस्टमाइज रिपोर्ट पे और इस दफ़ा आपने उसे कहना है फिल्टर इसमें आपने जो जो चीज़ें यहाँ दिखानी हैं वो यहाँ दिखाएं और जो चीज़ें आपने यहाँ से हटानी हैं वो यहाँ से हटा, हटा दें सबसे पहली चीज़ जो हम चाह रहे हैं वो है हमारी टाइप टाइप को हम सबसे पहले फिल्टर करेंगे ताकि हमारे पास सिर्फ उस टाइप की चीज़ें आए जो कि हम यहाँ दिखाना चाहते हैं जब हम टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है टाइप और एक यहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स है जिसमें पूछ रहा है अच्छा टाइप तो कौन सी वाली टाइप पे आप ये फ़िल्टर लगाना चाहते हैं हम लगाना चाह रहे हैं हमें जो दिखाई ये वो है इन्वेंट्री पार्ट बाकी तमाम चीज़ें हमें नहीं देखनी इससे पहले भी अगर आप देख सकें तो एक यहाँ फिल्टर लगा हुआ है वो कह रहा है तमाम आइटम दिखाओ सिवाय फिक्स्ड एसेट के फिक्स्ड एसेट के हमें यहाँ आइटम ना दिखाओ रीज़न क्या है रीज़न बड़ी सिंपल है हम देखना चाह रहे हैं कि वो तमाम चीज़ जिसमें हम डील करते हैं जो हम सेल कर सकते हैं वो हमें दिखाई जाए फिक्स एसेट हम सेल नहीं करते फिक्स एसेट तो हमारे एसेट होते हैं जिसकी बुनियाद पर हम इस सारा ये सारा बिज़नेस या काम कर रहे हैं अब जैसे ही मैंने ये फ़िल्टर लगाया फिल्टर क्या था सिर्फ मुझे इन्वेंट्री पार्ट आइटम दिखाया जाए जो कि मटेरियल है जो हमने ख़रीदा है फॉर आर बिजनेस जिसमें हम उस बिज़नेस को यही मटेरियल आगे सेल करते हैं अब हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ वो वाले आइटम्स आ गए हैं जो कि हमारी इन्वेंट्री में मौजूद हैं और जो मुख्तलिफ़र हाउसेज़ में रखे हुए हैं क्योंकि हमारे पास वक़्त नहीं था और हमने सारे जगह अपनी लोकेशन नहीं डाली थी जो लोकेशन हमने डाली हैं वह हमें यहाँ नज़र आ रही हैं एक फ़िल्टर में और लगाना चाहता हूँ जिससे हम सिर्फ वेयर हाउस टू लोकेशन की जो भी वहाँ मटीरियल मौजूद है जो भी वहाँ स्टॉक और इन्वेंट्री मौजूद है हमें सिर्फ़ वो नज़र आए तो आइए वो भी हम देख लेते हैं एक फिल्टर और लगा रहे हैं और वो ये है हमारा लोकेशन का फ़िल्टर ये हमारा लोकेशन का फिल्टर है और लोकेशन हम कौन सी देना चाह रहे हैं हम देना चाह रहे हैं वेयर हाउस टू कोशिश आपने ये करनी है कि बिल्कुल एग्जैक्ट वही वर्ड इस्तेमाल करें जो वहाँ हमने सेव किया हुआ है ताकि मैच करने में आसानी हो ये लीजिए जैसे ही हमने ये फ़िल्टर लगाया हमारे पास बिल्कुल क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि वेयर हाउस टू में जितना भी माल पड़ा हुआ है जो जो आइटम पड़े हुए हैं वो तमाम के तमाम नज़र आ रहे हैं रिपोर्ट हमने स्टार्ट की थी बहुत बड़ी से बहुत कॉम्प्रिहेंसिव से उसको हमने कट डाउन ख़ुद ही कर दिया सारा डेटा जो हमारे पास क्विक बुक्स में था सारा उसने दिखाया हमने उसको फिल्टर किया साफ किया और अपने मजाज से अपनी बिजनेस की नौीय के हिसाब से हमने फील्डें सेलेक्ट की और फिल्टर करके हमने सिर्फ वो डेटा एक्सट्रैक्ट किया है जिसकी हम रिपोर्ट बनाना चाहते हैं आपने देखा कि हमने अपनी रिपोर्ट किस तरीके से बनाई किस तरीके से सारा डेटा एक्सट्रैक्ट किया उसको हमने तराश खराश के फिल्टर लगा के उस शक्ल में ले आए जिस शक्ल में हमें इस रिपोर्ट का फ़ायदा था हमें इसमें रिपोर्ट बनाना भी आ गई इस्तेमाल करना भी आ गया हमें इसमें कस्टमाइज फील्ड ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना वो भी आ गया और इस पूरी रिपोर्ट को फ़िल्टर लगा के शॉर्ट करके दिखाना कि तमाम पहलू हमने एक ही वक्त में कर लिए यही वो रिपोर्ट्स होती हैं जो मैनेजमेंट को मुख्तल अवत में चाहिए होती हैं और फौरी तौर पर हमें आना चाहिए कि हम ये किस तरीके से अपनी क्विक बुक से फौरी तौर पर हर किस्म की रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट कर सके क्योंकि डेटा हमारे पास सारा मौजूद है रिपोर्ट हमें इतने सारे डेटा के ऊपर नहीं चाहिए होती हमेशा हमें रिपोर्ट कोई ना कोई ख़ास फील्ड्स पे सॉर्ट की हुई फिल्टर की हुई चाहिए होती है और वो हमें तरीक़ेक आना चाहिए इसी तरह से हम कोई बुक्स का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं फॉर मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग थैंक यू सो मच